नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिजाइनिंग में। यह है ऑटो कैड टू ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 16। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस में। इस वीडियो में हम इस डायग्राम को कम्प्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसका स्टार्ट पॉइंट और कहाँ पर हमें इसे कम्प्लीट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम को हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें इनसाइड से यहाँ पर शुरुआत करनी है, जहाँ पे रेडियस 8 के सर्कल्स हम माउंट करेंगे दिए हुए प्लेस डायमेंशन के साथ, और यहाँ से हमें ऑफसेट कमांड के साथ ये आउटर प्रोफाइल बनानी है। फिर यहाँ से सेंटर टू सेंटर रेफरेंस हमें मिलता है, यहाँ पे दो सर्कल माउंट करेंगे और इनके बीच में एक फिलेट R30 की वैल्यू के साथ हम एक फिलेट बनाएंगे और डायमेंशन के साथ हम ये डायग्राम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ऑटोकैड में बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्कल कमांड C Enter और अप्रोक्सीमेटली कहीं पर भी सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेडियस 8 के साथ हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप जूम करके यहाँ पे स्क्रीन को फिट डायग्राम ले आ सकते हैं। तो सिंपल इसे हम कॉपी करेंगे डाउनवर्ड की तरफ। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड जो है यहाँ पे ऑन हो। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है सेंटर टू सेंटर वर्टिकल है 20, कुछ इस प्रकार से। अब हम इस सर्कल को कॉपी करना है टू द राइट साइड। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है हमें 30 यूनिट, कुछ इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट्स जोड़ने हैं। तो लेते हैं लाइन कमांड, इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलर इस क्वाड्रेंट पॉइंट से इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक हमें लाइन जोड़नी है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों सर्कल्स को टेंजेंट हो। तो लेते हैं लाइन टूल और इस बार हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के लिए TAN टाइप करेंगे, टेंजेंट, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, आप कहीं पे भी सिलेक्ट करो। नेक्स्ट सेकंड सर्कल के लिए फिर एक बार TAN टाइप करेंगे, टेंजेंट, एंटर। सेकंड सर्कल के लिए हम कहीं पे भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों सर्कल के लिए सफिशिएंट टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क बन के आ जाएगा। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर करते हैं और अनवांटेड एंटिटीज जो है यहाँ पर हम इरेज कर देंगे। अब सिंपल हमें यहाँ पर ऑफसेट करनी है 12 यूनिट के साथ। लेते हैं ऑफसेट टूल, 12 डिस्टेंस एंटर करेंगे। सिंपल फर्स्ट हम इस आर्क को ऑफसेट करेंगे, देन वर्टिकल लाइन, देन बॉटम आर्क, देन बॉटम लाइन और देन इंक्लाइंड लाइन। तो हमारे डायग्राम के लिए सफिशियंट है इतना। अब हम इस सेंटर पॉइंट से ये वाला सर्कल जो है उनका रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं 70। तो रेफरेंस के लिए हम सिंपल इसी सेंटर के साथ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 70 मिलीमीटर। अब इस एंड पॉइंट पे हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं दो, और रेडियस 20 और डाया 15 का। तो लेते हैं सर्कल कमांड, इस सेंटर के साथ हमें डायामीटर 15 का एक सर्कल। सिमिलरली रिपीटेड कमांड सर्कल लेते हैं, सेम सेंटर के साथ रेडियस 20 का एक और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब हमें इस बॉटम लाइन को इसके क्वाड्रेंट पॉइंट तक हमें एक्सटेंड करना है। तो सिंपल लेते हैं EX कमांड, एक्सटेंड, एंटर करेंगे। फिर एक बार एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब हमें इस सर्कल और इस इंक्लाइन लाइन के बीच में एक आर्क ड्रॉ करनी है, तो हम फिलेट की मदद से इसे अचीव करेंगे। लेते हैं फिलेट टूल, F एंटर और रेडियस मेंशन करेंगे R एंटर के साथ 30 यूनिट। फर्स्ट हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन इस सर्कल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर, अनवांटेड एजेस यहाँ से ट्रिम कर देंगे और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका है। सिंपल हम यहाँ से इसका लाइन वेट बढ़ा देते हैं 0.30 के साथ। लाइन वर्क आपका विजिबल नहीं है, इसका मतलब लाइन वेट डिस्प्ले आपकी सेटिंग ऑफ है, तो उसे ऑन कर दीजिए। अब लेते हैं सेंटर मार्क और सिंपल हम इन दो सेंटर मार्क्स, इसका सेंटर मार्क और इस बड़े वाले सर्कल को सेंटर मार्क यहाँ पे दे देते हैं। अब जैसे हमें डायग्राम में डायमेंशन दिए हैं उसी प्रकार से हम वन बाय वन डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे। लेते हैं लीनियर डायमेंशन टूल, फर्स्ट हम सेंटर टू सेंटर यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन सेंटर टू दिस सर्कल सेंटर 70, देन सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस। अब लेते हैं रेडियस, तो यहाँ पे मेंशन करना है रेडियस 20, यहाँ पे रेडियस 8, सिमिलरली रेडियस 8 और रेडियस 20, यहाँ पे भी रेडियस 8,
यहाँ पे मेंशन करनी है रेडियस 30, यहाँ पे है रेडियस 20। अब लेते हैं डायमेंशन डायमीटर और इस सर्कल का डायमीटर देते हैं डाया 15। अब हमें लेना है अलाइन डायमेंशन, लेते हैं डायमेंशन अलाइन और यहाँ पे परफेक्टली अलाइन सेट करने के बाद हम देते हैं यहाँ पे डायमेंशन 12। आप चाहे तो यहाँ पे भी ये डायमेंशन दे सकते हैं या फिर यहाँ पे भी ये डायमेंशन दे सकते हैं। हमें यहाँ पे डायमेंशन की ओवरऑल स्केल यहाँ पे बढ़ानी है क्योंकि हमारे डायग्राम के साथ डायमेंशन बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। तो लेते हैं डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई के लिए डी एंटर और जो हमारी करंट डायमेंशन स्टाइल है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे और फिट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ ओवरऑल स्केल फॉर डायमेंशनिंग मिल जाएगा। तो इससे हम 1.5 के साथ इंक्रीज करते हैं और इसे कहते हैं क्लोज। तो यहाँ पे देखिए हमारे डायमेंशन जो है सारे इनलार्ज हो चुके हैं। अब हमें अच्छी तरह से डायमेंशन को सेट करना है ताकि ये डायग्राम के साथ अच्छे दिखे, कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना हो ये हमें देखना है। चाहे तो हम इसे डायमेंशन को बाहर भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि सारे स्टेप्स और सारे कमांड्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है किसी कमांड या स्टेप को लेके तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।